वक्फ बिल को लेकर जारी विरोध के बीच ओवैसी ने एएसआई पर तंज कसा है। ओवैसी के अनुसार एएसआई वक्फ की इमारतों की देखरेख और अपने अधीन रख पाने में सक्षम नहीं है। ओवैसी का ये मानना है कि जो एएसआई भारतीय संस्कृति और यहाँ की धरोहरों को सुरक्षित नहीं रख पा रही, उनकी मरम्मत नहीं कर रही, वो वक्फ बिल की आड़ में लिए जा रही इमारतों की क्या ही देखरेख कर पाएगी। दरअसल ओवैसी का ये बयान एक वीडियो के संदर्भ में है, जहां पर खबर ये आती है कि ताजमहल की अंदरूनी दीवारों पर क्रैक्स आ गए हैं। दरअसल तेजी से मौसम में बदलाव और जोरों की बारिश के कारण देश भर के कई राज्यों में परेशानियां बढ़ी हैं। वहीं आगरा में 12 सितंबर को पिछले 80 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इस बारिश से आगरा से होकर बहने वाली यमुना नदी तमाम नाले उफान पर हैं। वहीं शहर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। यमुना में पानी इतना बढ़ गया कि वो ताजमहल से एकदम सटकर बहने लगी, जिससे इस प्राचीन स्मारक में भी मामूली क्रैक आने का अंदेशा जताया जा रहा है। अब ताजमहल के पास यमुना पहुंचने पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान यानी कि एएसआई पर तंज कसने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर एएसआई पर व्यंग कसते हुए ओवैसी ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ताजमहल से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक के साथ वो ऐसा व्यवहार करता है। एएसआई का मजाक उड़ाते हुए एएमआईएम प्रमुख लिखते हैं, मजे की बात यह है कि उसी एएसआई का तर्क है कि वक्फ स्मारकों को उसके अधीन दे दिया जाना चाहिए ताकि वो उसका रखरखाव कर सके। ये 10वीं कक्षा की परीक्षा में फेल होने और उसके बाद पीएचडी के लिए आवेदन करने जैसा है। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर एएसआई द्वारा नियंत्रण की मांग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एएसआई की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो संगठन ताजमहल जैसे ऐतिहासिक धरोहर की सही से देखभाल नहीं कर पा रहा, उसे वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं बताते चले, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ताजमहल की देखरेख को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि एएसआई ताजमहल से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के इस सबसे बड़े प्रतीकों में से एक के प्रति इसका व्यवहार निराशाजनक है। आगरा में लगातार हो रही बारिश के कारण ऐतिहासिक ताजमहल का मुख्य गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है और बारिश की वजह से ताजमहल के बगीचे में भी पानी भर गया। ये पानी किस ओर से पहुँच रहा है, इसके लिए भी जाँच जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।